बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान मच गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। ओबीसी एससी एसटी कोटे की नौकरियों पर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं। पिछड़ों दलितों की अनदेखी का मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हर हाल में भरी जाएं ओबीसी एससी और एसटी की सीटें। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान मच गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। ओबीसी एससी एसटी कोटे की नौकरियों पर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं। पिछड़ों दलितों की अनदेखी का मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हर हाल में भरी जाएं ओबीसी एससी और एसटी की सीटें। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान मच गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। ओबीसी एससी एसटी कोटे की नौकरियों पर अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए हैं। पिछड़ों दलितों की अनदेखी का मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हर हाल में भरी जाएं ओबीसी एससी और एसटी की सीटें। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है।